कितनी बार कहा, कितनी बार कहा कि एडवांस बुकिंग करा लो करा लो, लेकिन नहीं, तुमने तो मेरी माननी नहीं है, तो फिर बैठो घर पे। स्वीटी, स्वीटी मुझे क्या पता था कि इतनी बकवास फिल्म इतनी हाउसफुल जाएगी। सुनो, फिल्म को कुछ मत कहना, समझे? तुम्हें पता है कितनी डरावनी पिक्चर है वो? अगर तुम देखते ना, तुम्हारी तो पैंटी गीली हो जाती। ओ हेलो, मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत डरावनी फिल्में देखी हैं, समझी? अगर तुम में हिम्मत है ना, तो तुम ये फिल्म देखकर दिखो। लो, लो, तुम फिल्म लगाओ, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पॉपकॉर्न लेकर आता हूं। एंड हेलो, डरना मत, ओके? और अगर डरोगी ना तो चिल्लाना मत। हेलो, इतने डींगे मत हाको, समझे? मैं भी देखती हूँ क्या डरावना है इस मूवी में। स्टैचू? वो जोकर वाली? जोकर? और मेरे घर में शायद तुम्हारा वहम होगा जो तुम्हें जोकर दिख रहा है। Yeah.
अच्छा सुनो, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। हाँ ठीक है, तुम खाना खा लेना और मेरा वेट मत करना, ठीक है? नहीं नहीं, मैं कोशिश करूँगा जल्दी आने की, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि बहुत देर हो जाएगी। विक्रम, क्या हुआ? पानी पूरी खाएगा क्या? चल भाई, क्या देख रहा है? चल ना यार। क्या हुआ? जोकर। जोकर कहाँ है? जोकर और बैठा हुआ है, दिख नहीं रहा है। जोकर तू चल, चल तुझे बिना पिए चढ़ गई है। जोकर चल, किसे देख रहा है? चल ना यार, चल घर चल तू। जोकर विक्रम यार, क्या हुआ तुझे? क्या बात कर रहा है? चल अभी भी है, चल घर चल तू, पागल हो गया? मैं विक्रम, विक्रम विशर, मरने से पहले विक्रम का बर्ताव कैसा था? क्या वो परेशान था या फिर कुछ कहना चाह रहा था तुमसे? परेशान नहीं था, लोग तो हंसते खेलते जा रहे थे, तभी अचानक वो घबरा सा गया
घबरा सके? किस वजह से? शायद उसने देखा था किसी को जो मेरी आंखों को नजर नहीं आया। किसे? एक 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 जोकर को। जोकर को? हर्ष, मानसी ने भी मरने से पहले जोकर को देखा था। जय बता रहा था ना? हाँ, मानसी की भी मौत कुछ इसी तरह हुई थी, हवा में झूलते हुए। क्या आप मानसी कुमार की बात तो नहीं कर रहे जो बैंगलोर में रहती है? हाँ, पर तुम कैसे जानते हो उसे? हाँ, मानसी और विक्रम बिजनेस पार्टनर थे। बिजनेस पार्टनर्स? हाँ, मानसी, विक्रम और उनके दोस्त अभिमन्यु की एक कंपनी थी। मतलब मानसी और विक्रम के बाद कहीं अभिमन्यु की जान को तो खतरा? बिल्कुल होगा, हमें किसी भी तरह अभिमन्यु को आगाह करना होगा। तुम्हारे पास उसका कैसे? नहीं तो इन
की कौन सी कंपनी थी? इनकी कास्टिंग एजेंसी थी, जहाँ पर एक्ट्रेस को टीवी सीरियल्स और फिल्मों में रोल दिया जाता है। कास्टिंग एजेंसी। जानू, मैं बस निकल रही हूँ। क्या तुमने मेरे लिए खाना बनाया है? How sweet! You know, you are the best. Yeah. Okay, चलो मैं तुमसे घर पहुँच के बात करती हूँ। Okay, bye. जी कहिए। जी दरअसल वो हमें। अगर आप लोग एक्टर्स हैं तो प्लीज कल आइएगा। आज ऑफिस बंद हो चुका है। नहीं नहीं, हम लोग एक्टर्स नहीं। तो फिर? एक्चुअली हम आपसे कुछ बात करने आए हैं, इस कंपनी के तीनों मालिक के बारे में। देखिए, वो लोग तो उस दुनिया में रहे नहीं, अब क्या बात करेंगे आप उनके बारे में? हम उसी सिलसिले में आपसे बात करना चाहते हैं। मतलब? जी, याद करने की कोशिश कीजिए। क्या कभी कोई जोकर आया था आपके कास्टिंग एजेंसी में ऑडिशन देने के लिए? हाँ, परसों हम कुछ पुराने एक्टर्स की तस्वीरें फेंकने वाले थे, उसमें देखी थी मैंने एक जोकर की तस्वीर। क्या हम वो फोटोग्राफ्स देख सकते हैं? हाँ, वो फोटोग्राफ्स अभी भी स्टोर रूम में हैं। क्या बात हुआ? क्या हर्ष, मुझे लग रहा है कि कोई देख रहा है। देख रहा है? कौन? वो जोकर। जोकर? लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं। लगता है ये तुम्हारा वैन। अब चलो उस जोकर की फोटोग्राफ ढूंढते हैं इनके स्टोर में। चलो। देखा था मैंने वो फोटोग्राफ। इस बॉक्स में भी नहीं है। इसमें भी नहीं है।
उसकी फोटोग्राफ्स यहाँ पर कहीं नहीं। क्या तुम्हें ठीक से याद है कि तुमने किसी जोकर की फोटो देखी थी? हाँ, यही थी वो फोटोग्राफ। प्यून भी मुझे बता रहा था कि कोई जोकर बार बार ऑडिशंस के लिए आता था और सब लोग उसका बहुत मजाक बनाते थे, लेकिन फिर भी वो आता था। अगर वो एक एक्टर था तो वो दूसरे प्रोडक्शन हाउसेस में जरूर गया होगा ऑडिशन देने के लिए। एग्जैक्टली। इस तरह की और कौन कौन सी कंपनीज हैं जहाँ पर एक्टर्स के ऑडिशन होते हैं? हाँ, इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस हैं, लेकिन उनमें से सबसे बड़ा है ब्लैक एंड व्हाइट प्रोडक्शन हाउस। वहाँ आपको उस जोकर की फोटोग्राफ जरूर मिल जाएगी। थैंक्स। वो फोटोग्राफ मैंने यही देखा था। बात नहीं बनी? नहीं यार, अपना नसीब ही खोटा है। वैसे देखा जाए तो एक्टिंग सबको पसंद आती है, लेकिन हाँ यार, हर बार की एक ही कहानी। वैसे मानसी तेरी कुछ मदद कर रही है या नहीं? मानसी ने कभी मेरी मदद की ही नहीं मुझे रोल दिलवाने के लिए, और अब कभी कर भी नहीं पाएगी। क्यों नहीं करेगी? वो एक्चुअली चलिए प्लीज, ऑफिस बंद करने का टाइम हो गया है। चलिए चलिए, अब तो मेरा ऑडिशन बाकी है। 9 बज रहे हैं, आप ऐसा कीजिए कल आ जाइए। मैडम, 9 बजने में अभी 5 मिनट बाकी है। ऐसा मत करिए, मैं बहुत दूर से आया हूँ और मेरे लिए रोल बहुत जरूरी है। दूर से आया तो क्या सर पे बिठा लूँ? कहा ना कल आना। चल, अपना भी एक दिन टाइम आएगा। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं यार साहिब। पंकित को भी यहाँ होना चाहिए था यार। इस लल्लू एक्टर का ऑडिशन देखकर तो हंस हंस के गिर ही जाता वो। आई नो यार, हंसी के मारे मेरा तो पेट दर्द करने लगा है। ये एक्टर्स कितने बेवकूफ होते हैं ना, सोचते हैं कि बिना कुछ दिए इन्हें काम मिल जाएगा। अरे यार, वैसे भी ऑडिशन तुमसे दिखावे के लिए कर रहे हैं। रोल तो उसी को मिलना है, क्लाइंट के भांजे विक्रम कुमार को। Thank you.
ऑडिशन देने आया। अरे ऑडिशन तो खत्म। क्या कर रहे हो तुम लोग? ये हमेशा का है यार इन लोगों का।
मजाक मत करिए, प्लीज आ जाकर। कौन हो तुम? तेरी मां। नहीं, नहीं। चार मौत और वो भी एक ही तरह हमारे में लटकी हुई लाश। अरे स्टोकर ने सिर्फ सिर्फ उन लोगों को अपना निशाना बनाया जो कास्टिंग करते थे। जब तक उसका बदला पूरा नहीं हो जाता वो शांत बैठने वाला नहीं है। तो क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ये जो कुछ भी कर रहा है वो अपना बदला पूरा करने के लिए कर रहा है? लगता तो ऐसा ही। शायद हमें कुछ मिल जाए। शायद उसने यहाँ पर अपनी फोटोग्राफ छोड़ दी हो। पे तो उसका नाम लिखा हुआ है। हाँ, पर उसका नंबर नहीं। अब इस नंबर के जरिए हम उसके एड्रेस तक पहुंच सकते हैं। कितनी बदबू है यहाँ पर। लगता है ये घर काफी वक्त से बंद पड़ा है। Thank you.
बिल्कुल पसंद है। मनीष तो एक एक्टर था, ये सब सामान का उसको क्या कहा? एक और दरवाजा भी है। न जाने कितने दिनों से इसकी लाश यहाँ पे लटकी हुई है। एक एक्टर नहीं था, वो वाकई एक जोकर था जो एक्टिंग करना चाहता था। तभी तो उसने खुदकुशी भी जोकर के कपड़े में की। Excuse me? Yes? क्या हम इस सर्कस के मैनेजर से मिल सकते हैं? मैनेजर से? जी। वो सामने है। देखिए, अगर मुझे पेमेंट एडवांस में नहीं मिला तो मैं ये शो कैंसिल कर दूंगा। हाँ हाँ, कैंसिल कर दूंगा। जी। Excuse me? मिस्टर राजेंद्र? जी। आपको कौन? और यहाँ अंदर कैसे है? दरअसल हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या आपके सर्कस में कोई मनीष नाम का आदमी काम करता है या करता था? मनीष? जी नहीं। जी ठीक से याद कीजिए, इस मनीष को एक्टिंग का भी शौक है। देखिए, अगर उसे एक्टिंग का शौक है तो एक्टर बनता, मेरे सर्कस में क्या करेगा वो? वही तो हम पता करने आए कि एक जोकर के सर पे एक्टिंग का भूत कैसे सवार हुआ। मैं कुछ समझा नहीं। देखिए सर, क्या हम आपके सर्कस के जोकर से मिल सकते प्लीज? जी नहीं, बाहर के लोगों को हमारे यहाँ के लोगों से मिलने की कोई परमिशन नहीं। प्लीज प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है कि किसी की जिंदगी या मौत का सवाल हो सकता है। क्या मतलब है आपका? मतलब है कि एक जोकर जो इस शहर में खून पे खून किए जा रहे हैं और हमें उसकी तलाश है। जोकर खून कर रहा है? देखिए, उन्हें तो सोने तक की फुर्सत नहीं मिलती, तो वो खून क्या करेंगे? क्या आपके सर्कस में कोई ऐसा जोकर है जो पिछले कई दिनों से गायब है या फिर वो आ नहीं रहा हो काम को? जी नहीं, हमारे सारे जोकर हर शो में रहते हैं। फिर भी प्लीज हम उनसे मिलना चाहेंगे। ठीक है,
मैं कोशिश करता हूँ लेकिन मिलकर कोई फायदा नहीं। आप लोग यही रुकिए। तो वैसे भी नहीं लगता। आपके सर्कस में ये बांची जोकर है? कोई और? जी नहीं, हमारे सर्कस में बस यही बांची। आपको और कुछ पूछना है? जी नहीं। लगता है वो जोकर किसी दूसरे सर्कस में काम करता है। चलो चलते हैं। चलो अपने काम पे लगो। चलो आ जाओ। क्या हुआ अमरी? कोई हमारा पीछा कर रहा है। हाँ, कोई तो है। मैं पूछने बताना चाहता। अरे
ये क्या कर दिया मैंने? गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। गलती तो हुई है तुझसे। क्या? लेकिन मानसी तो कह रही थी कि उसने एक जोकर का स्टैचू देखा, पर आप लोग कह रहे हैं कि वो स्टैचू नहीं बल्कि सचमुच में जोकर है। हाँ जी, पर वो जोकर कोई जीता जागता इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा है, एक मरा हुआ जोकर जो शायद इसलिए वापस आया क्योंकि उसे कुछ लोगों से बदला लेना। क्या आत्मा? मेरे घर में आत्मा? डरने की कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर उसे तुम्हें मानना होता तो बहुत पहले मान चुका। लेकिन उस बेचारे ने क्या बिगाड़ा था उसका? यही तो हम भी जानना चाहते हैं। जय, जरा सोच के बता, क्या मांझी ने कभी किसी जोकर के बारे में कुछ कहा या फिर किसी सर्कस के बारे में बताया? वो किसी सर्कस के बारे में बता तो नहीं था। सर्कस का? सर्कस का नाम याद है? समथिंग गोल्ड। गोल्डन? गोल्डन सर्कस? राइट, गोल्डन सर्कस। हम तो गोल्डन सर्कस पहले भी जा चुके हैं, और अगर यहाँ पांच ही जोकर्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि जिसे हम ढूंढ रहे हैं, वो जोकर उन पांचों में से एक है, जिसे हम पहचान नहीं पाए। अब देखिए, आपके सामने आ रहे हैं गोल्डन सर्कस के जोकर्स। अपने अपने कैमरा ऑन करने के लिए ध्यान रखो दोस्तों, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम उसे ढूंढ रहे हैं। हम उसे पहचानेंगे कैसे? अपने कैमरे ऑन करो, अगर वो आत्मा है तो वो अपने कैमरे में दिखाई नहीं देगा। अगला शिकार करें। ये जोकर तो कैमरा में रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा।
उसका मतलब यही है जो सबका खून कर रहा है। हमें शो खत्म होने का इंतजार करना है। हो सकता है कि शो खत्म होने के बाद वो अपना अगला शिकार करे। सरप्राइज है पर यहां तो कुछ भी नहीं है। जरूर किसी ने घटिया मजाक किया हमारे साथ। कहीं वही वाला एक्टर तो नहीं जिसे तुमने इसलिए रोल नहीं दिया था क्योंकि उसने तुम्हें 50,000 रुपए नहीं दिए थे? अगर ये काम किसी एक्टर ने किया ना तो फिर अपनी कंपनी में तो क्या, इस इंडस्ट्री किसी भी कंपनी में स्टॉक बॉय तक नहीं बना दूंगा मैं। देखा, ये सब कास्टिंग वाले इस जोकर ने इन्हें यहां बुलाया है। चल यार चलते हैं, यहाँ टाइम बर्बाद करके कोई फायदा नहीं। ठीक है चलो। तुम? हाँ मैं एक कलाकार और आप मेरे दर्शक। आज मैं आपको एक ऐसा खेल दिखाऊंगा जिसे देखकर आप इतना हंसेंगे जितना आज तक कभी किसी के ऑडिशन में किसी बेचारे के नहीं हंसेंगे। तुम तीनों को तो मैंने यहां बुलाया ही नहीं था, लेकिन अगर आ ही गए हो तो बिना तमाशा देखे वापस नहीं जा पाओ। प्लीज हमें माफ कर दो, जाने दो हमें, प्लीज जाने दो हमें। क्या बोल रहे तुम ऐसा करके, मत करो ये सब, प्लीज छोड़ दो हम लोगों को। ये कहानी एक ऐसे जोकर जो एक्टर बनना चाहता था लेकिन इस जालिम दुनिया ने उसका तमाशा बना दिया। वही जोकर उन लोगों का तमाशा बनाएगा। तमाशा शुरू।
बदले में मुझे क्या मिला? अपमान, गालियां। हर इंसान की जिंदगी में एक सपना होता है, जिसे वो किसी भी कीमत पे पूरा करना चाहता है। मेरा भी एक सपना था, कलाकार बनने का सपना, पर तुम दुनिया वालों ने उसे पूरा नहीं होने दिया। तुम दिया मेरे सपने को अपनी एड़ियों तले, चूर चूर कर दी मेरी इच्छाएं, मेरी ख्वाहिशें। मगर क्यों? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? बस थोड़ा सा नाम ही तो कमाना चाहता था ये जोकर। जोकर किसे कहते हैं आप जानते हैं? इंसान तो अपनी जिंदगी में एक ही बार मरता है। जोकर पल पल मरता है। मैं भी मरा हूं, हर घड़ी हर पल। अगर तुम लोगों ने मुझे एक मौका दे दिया होता तो आज मैं भी जिंदा होता। मैंने आत्महत्या नहीं की, तुम लोगों ने खून किया है मेरा। सपना देखना पाप है? कला का प्रदर्शन करना जुर्म है? कला का पुजारी हूं मैं, कलाकार हूं मैं, जोकर हूं मैं। क्या कसूर है मेरा? आज तक सिर्फ जोकर पे हंसते आए हो, क्या पता था कि जोकर के दिल में भी इतना दर्द छिपा होता है।